शराब पर हुए विवाद में दो दोस्तों ने एक बदमाश की उसके घर में ही हत्या कर दी। मृतक रमेश उर्फ काला खामदेव डांगरी महाजनपुरा पाड़ी निवासी है। हत्या के आरोपी में पाड़ी पुलिस ने राकेश उर्फ गोटिया रामचंद्र दुर्बड़े और उसके दोस्त पीयूष दामोदर पंचबूदे महाजनपुरा पाड़ी निवासी को गिरफ्तार किया है। घटना रविवार की दोपहर में हुई। आरोपियों ने शराब पीने के बाद रमेश से विवाद किया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। पाड़ी थाना क्षेत्र में रविवार की दोपहर एक अपराधी को मौत के घाट उतारा गया। बताया जाता है कि शराब पीने के बाद हुए विवाद में दोस्तों ने ही उस पर चाकू से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मृतक महाजनपुरा निवासी रमेश उर्फ कालिया खामदेव डांगरी बताया गया। पकड़े गए आरोपियों में महाजनपुरा निवासी राकेश उर्फ कोटिया रामचंद्र दुर्बड़े और पीयूष पंचबूदे का समावेश है। रमेश के माता पिता अम्बेनगर इलाके में रहते हैं। वह अपनी दादी के साथ महाजनपुरा परिसर में रहता था। उसके खिलाफ मारपीट, अपहरण और अवैध तरीके से शराब बेचने के मामले दर्ज है। पिछले कुछ महीनों से पुलिस की लगातार हो रही छापेमारी के चलते रमेश ने शराब बेचना बंद कर दिया था। रविवार की दोपहर उसकी दादी किसी काम से बाहर गई थी। रमेश घर पर अकेला था। परिसर में रहने वाले कोटिया और पीयूष के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी। दोनों रमेश के घर पहुंचे। दादी के घर पर नहीं होने के कारण तीनों ने पार्टी का प्लान बनाया। काल दिनांक 5-8 ला अभी पुलिस स्टेशन पार्टी है थे। डे ऑफिसर असताना सायंकाळी 4 वाजताच्या दरम्यान आम्हाला माहिती मिळाली की महाजनपुरा या भागामध्ये एका युवकाची हत्या झाली आहे। अशी माहिती भेटताच आमचे सहकारी शेळके साहेब व इतर स्टाफसह आम्ही घटनास्थळी पोहोचलो। तिथे महाजनपुरा भागामध्ये रमेश उर्फ काल्या खामदेव डांगरे या युवकाची हत्या झालेली होती। तो पूर्ण रक्ताच्या थारोळ्यामध्ये त्याच्या छपरीमध्ये पडलेला होता। त्याची ओळख त्याचे वडील यांनी केली की हा त्याचा मुलगा आहे। त्याच्या लघवी करण्याच्या जागेच्या बाजूला धारदार शस्त्रांनी काहीतरी वार झालेला होता। आम्ही तिथे आयकर लोली इन्व्हेस्टिगेशन टीम लोली वरिष्ठांना माहिती दिली आणि घटनास्थळ पंचनामा केला आणि बॉडी आम्ही पोस्टमार्टम करता मेयो हॉस्पिटल येथे पाठवली। दोनों शराब के नशे में विवाद होने की जानकारी दे रहे हैं। नशे में होने के कारण पुलिस को उनकी बात पर भरोसा नहीं है। देर रात तक छानबीन जारी थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि रमेश की कई लोगों के साथ दुश्मनी थी। भले ही पिछले कुछ समय से वह शांत था लेकिन शराब बेचने के कारण कई लोगों से उसकी ठनी हुई थी। जून 2019 में उसका परिसर में रहने वाले कृष्णा मदनकर के साथ भी विवाद हुआ था। कृष्णा ने उस पर जानलेवा हमला कर बाएं हाथ का पंजा काट दिया था। उपचार के बाद भी उसका पंजा जुड़ नहीं पाया। हमला करने वाला कृष्णा अब तक जेल की हवा खा रहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़, नागपुर।